नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दूसरे चरण में बिहार के अन्य क्षेत्रों में लगेंगे 26 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर। 10वीं 2022 परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों के पास एक और मौका। पूर्व मध्य रेलवे ने 124 ट्रेनों के आवागमन को किया नियंत्रित। मूसलाधार बारिश के साथ बिहारवासियों ने ली राहत की सांस। फरक्का-बराज की समस्या जल्द होगी दूर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दूसरे चरण में बिहार के अन्य क्षेत्रों में लगेंगे 26 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बिहार में दूसरे चरण में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने की तैयारी हो चुकी है और अब बचे हुए शहरी क्षेत्रों और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम बस जल्द ही शुरू होने वाला है। इसको लेकर बीते दिन नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और सिक्योर मीटर्स लिमिटेड के बीच करार हुआ। करार के तहत उत्तर बिहार के 5 जिले सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण के ग्रामीण क्षेत्रों में और मुजफ्फरपुर के ग्रामीण और शहरी इलाके में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इन जिलों में 26 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर 30 महीने में लगाए जाएंगे। मालूम हो कि बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के कार्य को दो चरणों में बांटा गया था। पहले चरण में शहरी क्षेत्र में 8 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाकर बिहार इस मामले में देश में लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं बीते दिन हुए इस करार से दूसरे चरण की शुरुआत होगी। पूर्व मध्य रेलवे ने 124 ट्रेनों के आवागमन को किया नियंत्रित। बिहार में अग्निपथ स्कीम को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में सबसे ज्यादा नुकसान रेल सेवाओं को पहुंचाया गया है। इस वजह से रेल सेवाएं भी बाधित हुई है, यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। इसको देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने कई ट्रेनों की आवाजाही रोक दी है, कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे 59 ट्रेन रद्द कर दी गई है, वहीं 30 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। करीब 124 ट्रेनों की आवाजाही पर इस आंदोलन का प्रभाव दिख रहा है। ऐसे में आपको कहीं ट्रेन से यात्रा करनी है तो आपको सलाह दी जाती है कि आप एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पूर्व मध्य रेल द्वारा जारी किए गए अपडेट के लिंक पर जरूर क्लिक करें। 10वीं 2022 परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों के पास एक और मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर आई है, जो अभी तक अपना परीक्षा शुल्क नहीं जमा कर पाए हैं। मालूम हो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ये कहा गया था कि जो विद्यार्थी परीक्षा शुल्क जमा नहीं कर पाए हैं उन्हें 10वीं 2022 के अंक पत्र नहीं मिलेंगे। उन्हें निर्धारित समय 15 जून तक बिहार बोर्ड परीक्षा समिति की अंक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शुल्क जमा करने होंगे। हालांकि अब ये तारीख 15 जून से बढ़ाकर 22 जून कर दी गई है। ऐसे विद्यार्थियों के पास अभी भी वक्त है, वो अपना परीक्षा शुल्क जमा कर अपने अंक पत्र यानी रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। आंदोलनरत छात्रों से केंद्र सरकार की अपील। केंद्र सरकार की तरफ से निकाली गई अग्निपथ स्कीम का विरोध इस कदर छात्र कर रहे हैं कि सरकारी संपत्तियों को राख करने पर उतर आए हैं। हिंसा बढ़ रही है जिससे ज्यादा रेल सेवाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस बीच आंदोलन कर रहे छात्रों से केंद्र सरकार ने आग्रह किया है कि वो इस तरह हिंसा नहीं करे, अग्निपथ स्कीम उनके हित में है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने अग्निपथ स्कीम के विरोध में आंदोलनरत छात्रों से आग्रह किया है कि वो बहकाने वाले तत्वों से दूर रहे। अग्निपथ कार्यक्रम देश, सेना और युवाओं के हित में है। कुछ लोग छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मूसलाधार बारिश के साथ बिहारवासियों ने ली राहत की सांस। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार मजबूत हो रहा है। मानसून के प्रदेश के नए क्षेत्रों में फैलने से अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। गुरुवार रात को बिहार के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हुई, इससे भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। शुक्रवार सुबह को भी दक्षिण पूर्व बिहार के अधिकांश हिस्सों में काले बादल के साथ अधिकतर जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग की तरफ से जारी ताजा मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में मानसून के और मजबूत होने की संभावना जताई गई है। इसमें कहा गया है कि अगले 48 से 72 घंटों में दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के नए क्षेत्रों को जद में लेने के साथ ही और मजबूत होगा। साथ ही कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान भी है। फरक्का-बराज की समस्या जल्द होगी दूर। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने एक बार फिर से फरक्का-बराज की समस्याओं को उजागर किया है। बिहार जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने बीते दिन नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में डैम सेफ्टी गवर्नेंस हेतु बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में जल प्रबंधन की दिशा में बिहार की उपलब्धियों से अवगत कराया है। संजय झा ने गंगा नदी पर फरक्का-बराज बनने के बाद से बिहार में बढ़ती गाद की समस्या और जल जमाव का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति शीघ्र लागू करने की मांग की है। संजय झा के इस प्रयास से उम्मीद है कि फरक्का-बराज की समस्या जल्द ही खत्म होगी।
मुजफ्फरपुर पहुंचे प्रशांत किशोर, लोगों से किया संवाद। देश के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ में से एक बिहार के प्रशांत किशोर अपने जन स्वराज अभियान को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। उन्होंने यहां अपनी पदयात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि वो पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम से 2 अक्टूबर से पदयात्रा शुरू करेंगे। इस पदयात्रा के माध्यम से वो बिहार के हर गली, गांव, शहर, कस्बों के लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। उनसे समझेंगे कि कैसे बिहार को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस गांव में शाम होगी तो वहीं रुकेंगे और सुबह वहीं से चलेंगे। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों, प्रसिद्ध चिकित्सकों, प्रबुद्ध नागरिकों, महिलाओं और युवाओं से जन स्वराज की सोच को लेकर संवाद किया और लोगों के सभी सवालों के जवाब भी दिए। गृह विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार में दंगा इतना ज्यादा भड़क गया है कि गृह विभाग को हाई अलर्ट जारी करना पड़ा। जहां तक आंदोलनकर्ताओं की बात है तो भारी मात्रा में क्षति पहुंचाई गई है। इसको देखते हुए गृह विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें रेलवे SP, जिला कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदि अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। कलेक्टर और SP को खासतौर पर सतर्कता बरतने और इंटेलिजेंस इनपुट पर तत्वरित कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों की पुलिस को चौकन्ना रहने का निर्देश भी दिया गया है। दूसरी तरफ उपद्रव की स्थिति में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि 24 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बिहार में बढ़ रही एक्टिव केस की संख्या बढ़ा रही है चिंता। देश के साथ साथ बिहार में भी एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन राहत की बात यही है कि बिहार में अभी भी कोरोना के मामले 2 अंकों तक सीमित है। लेकिन चिंता की असली वजह दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोगों की है। बीते दिन बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार 40 नए कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव कोरोना केस के मामले 178 हो गए हैं। सूबे में 142,782 कोरोना के सैंपल की जांच हुई है, जिसके बाद राजधानी पटना में सबसे अधिक 20 कोरोना के मामले मिले हैं। वहीं औरंगाबाद में 5 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई, जहानाबाद में 3, अरवल, सारण और सीतामढ़ी में 2-2 कोरोना के मामले मिले हैं। पूर्वी चंपारण, मधेपुरा, नालंदा, सहरसा में 1-1 कोरोना के मामले की पुष्टि हुई है। वहीं एक मामले ऐसे हैं जो कि बिहार से बाहर के हैं, लेकिन इनका सैंपल बिहार में ही कलेक्ट किया गया है। वहीं देश भर की बात करें तो आज यानी शुक्रवार को जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 12,000 कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। अग्निपथ सैन्य भर्ती के विरोध में दहका बिहार। अग्निपथ सैन्य भर्ती के खिलाफ देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार के ज्यादातर जिलों में इस विरोध प्रदर्शन की आंच लग चुकी है। इस विरोध प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति का खासा नुकसान हो रहा है। उग्र छात्रों द्वारा रेलवे स्टेशन, सरकारी भवन को निशाना बनाया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर, दीनदयाल उपाध्याय, धनबाद, सोनपुर और समस्तीपुर रेल मंडलों के 17 रेलखंडों पर 60 से ज्यादा ट्रेन और मालगाड़ियां जहां तहां खड़ी रही। खासकर रेलवे स्टेशन को सबसे पहले टारगेट किया गया है। रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लखीसराय जंक्शन, आरा, बक्सर, समस्तीपुर, सुपौल, बेतिया, बेगूसराय, वैशाली, नालंदा, मुंगेर आदि जिलों में आज सुबह से युवाओं और छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ट्रेन सेवा के साथ ही सड़क मार्ग भी पूरी तरह से बाधित हो गई है। ऑनलाइन शॉपिंग का लिंक भेज, बैंक से उड़ाए पैसे। बिहार में साइबर क्राइम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद छात्रों ने एक छात्रा और ठेकेदार सहित 3 लोगों को ठगी का शिकार बना लिया है। बिजली बिल ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर उनके अकाउंट से लाखों रुपए उड़ा लिए गए हैं। इसमें 2 मामला पाटलिपुत्र थाने में दर्ज कराया गया। एक मामले में पीड़ित आवेदन लेकर थाने पहुंचे थे। ठगी का शिकार हुई छात्रा पाटलिपुत्र के बैरनपुरा इलाके की रहने वाली कृति है, जिससे अपराधियों ने ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर 75,000 रुपए उड़ा लिए हैं। बीते 11 जून को ही साइबर अपराधियों ने उसे ऑनलाइन शॉपिंग का एक लिंक भेजा था। इस दौरान छात्रा के कोटक महिंद्रा बैंक के खाते में 75,000 रुपए की निकासी कर ली गई। उसने तुरंत अपने बैंक अकाउंट को ब्लॉक करवाया और पाटलिपुत्र थाने में मामला दर्ज कराया। ऐसे में आपको भी सलाह दी जाती है कि ऐसा कोई भी लिंक आपके व्हाट्सएप पर आता है तो संभल कर क्लिक करें। उप मुख्यमंत्री और भाजपा अध्यक्ष के घर पर हुआ हमला। अग्निपथ स्कीम को लेकर दंगा इतना भड़क गया है कि अब मंत्रियों पर भी हमले शुरू हो गए हैं। दरअसल डिप्टी CM रेणु देवी और भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल पर हमला हुआ है। खबर के मुताबिक उनके घर को जलाने की कोशिश की गई है। बेतिया में अपने पैतृक आवास पर हमले की पुष्टि डिप्टी CM रेणु देवी के बेटे ने की है और उन्होंने कहा है कि उनके पैतृक घर पर हमला हुआ है, चीजों को नुकसान पहुंचाया गया। ANI न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो भी ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है, जिसमें यह जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि छात्रों को उकसाया जा रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा अध्यक्ष के भी घर पर उग्रवाद करने की कोशिश की गई है। रेल पटरी के दोहरीकरण को लेकर पूर्व मध्य रेल ने की 20 ट्रेनें रद्द। एक तरफ पूर्व मध्य रेलवे ने आंदोलन की वजह से कई ट्रेनों को नियंत्रित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर रेलवे में रेल पटरी के दोहरीकरण को लेकर पूर्व मध्य रेल की 20 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। उत्तर रेलवे के अकबरपुर, कटेहरी और गोसाईगंज सेक्शन में NI कार्य को लेकर के 5 जुलाई से 21 जुलाई तक कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के मार्ग बदलने का निर्णय भी लिया गया। पूर्व मध्य रेल के मुख्य यात्री परिचालन प्रबंधक ने इस संबंध में सूचना जारी कर दिया है।
जारी की गई सूचना के अनुसार पूर्व मध्य रेल की कुल 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। अपने ही सरकार पर भाजपा अध्यक्ष ने आंदोलन का फोड़ा ठीकरा। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ स्कीम की आग सत्ताधारी घटक दलों के बीच भी लग चुकी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के ऊपर हमला हुआ, जिसके बाद से ही उन्होंने अपने ही सरकार को घेर लिया। उन्होंने आरोप लगा दिया है कि प्रशासन बिहार में सुस्ती के साथ आंदोलन से निपट रही है, उनके घर को उड़ाने की साजिश रची गई है, जबकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार को इससे मौजूदा विवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया है कि केंद्र सरकार को अग्निपथ स्कीम पर स्पष्टता लानी चाहिए। ललन सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को कम से कम छात्रों को आशा देना चाहिए कि इस फैसले से उनके करियर पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे के लिए हुई रवाना, रोहित शर्मा रहे नदारद। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस समय T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला खेलने के बाद टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 मुकाबला खेलने के लिए विदेशी दौरे पर रवाना होगी, लेकिन इससे पहले इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए बीते दिन रवाना हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही T20 सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान ऋषभ पंत बाद में टेस्ट टीम के साथ जुड़ेंगे। वहीं इस टीम में कप्तान रोहित शर्मा भी नदारद दिखे। कहा जा रहा है कि वो 20 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। बीसीसीआई ने फोटो अपलोड किया है जिसमें पूर्व कप्तान विराट कोहली, सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल, टेस्ट टीम में वापसी कर रहे चेतेश्वर पुजारा, तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, प्रसिद्ध कृष्णा, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर और केएस भरत नजर आए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, इनके नाम है कुश कुमार यादव, सिद्धार्थ कुमार, शंकर मुखिया, लक्ष्मण कुमार, मुन्ना कुमार, वेद प्रकाश, बिंदेश्वर प्रसाद, कृष्णा कुमार, मुखिया, दानेश्वर यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या आपके क्षेत्र में भी अग्निपथ स्कीम के आंदोलन का असर दिखा? अगर हाँ तो अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।